कैसे हैं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हमें एक सर्किल गिवन है और सर्किल के एक कोड गिवन है जिसकी लेंथ है 3+7 यानी कि 10 के इक्वल। इस कोड को सर्किल के सेंटर से मिलाया गया है जिसकी लेंथ है 6 यूनिट के इक्वल। दोस्तों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो सर्किल गिवन है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है दोस्तों, यानी कि कैपिटल आर की जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको सोल्व करने का प्रयास करिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किल के सेंटर पॉइंट को नाम दे देंगे ओ पॉइंट और इस जो कोड गिवन है सर्किल की उसको नाम दे देते हैं कोड ए बी, ठीक है। और सर्किल के सेंटर पॉइंट से पास होने वाली लाइन कोड ए बी पर जिस पॉइंट पर टच होती है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्किल के सेंटर पॉइंट ओ से ए बी कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कोड ए बी की जो टोटल लेंथ हमें गिवन है वो कितनी है, वो है ए सी प्लस सी बी के इक्वल। ए सी की जो लेंथ गिवन है वो है 3 यूनिट के इक्वल और सी बी की जो लेंथ गिवन है वो है 7 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ए बी कोड की जो लेंथ है वो है टोटल 10 यूनिट के इक्वल और ओ सी की जो लेंथ गिवन है वो कितनी है हमें 6 यूनिट के इक्वल। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी सर्किल में सर्किल के सेंटर पॉइंट से किसी कोड पर डाला गया लंब उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। क्वेश्चन में OD जो परपेंडिकुलर है वो डाला गया है कोड AB पर, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कोड AB को OD परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहां से लिखा जा सकता है AD की जो लेंथ होगी वो DB के इक्वल होगी और ये किसके इक्वल होगी, टोटल कोड की लेंथ का हाफ, यानी कि टोटल कोड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी AB और उसका हाफ, ठीक है। टोटल कोड AB की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 10 यूनिट के इक्वल। तो यहां पर लिख देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2, तो AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 यूनिट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं DB की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 5 यूनिट के इक्वल आ गई और AD की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, वो भी 5 यूनिट के इक्वल आ गई, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार CD की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो हो जाएगी AD माइनस AC के इक्वल, ठीक है। AD की जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल है दोस्तों, 5 यूनिट के इक्वल, तो यहां पर लिख देते हैं 5 और AC की जो लेंथ गिवन है वो किसके इक्वल है, 3 यूनिट के इक्वल, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस 3 यूनिट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं सी डी की जो लेंथ आई है वो किसके इक्वल आ गई, 2 यूनिट के इक्वल, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं सी डी इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास सी डी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि येलो कलर्ड है नजर आ रहा होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ओ में हम लिख सकते हैं जो कि येलो कलर ट्राइंगल है सी डी की जो लेंथ है वो है 2 यूनिट के इक्वल जो कि हमने फाइंड आउट की है। ओ सी की जो लेंथ है वो है गिवन 6 यूनिट के इक्वल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ओ डी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पता है दोस्तों हम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओ डी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ओ डी स्क्वायर होगा वो दोस्तों ओ सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहां से लिख देते हैं ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ सी की लेंथ हम पुट करते हैं दोस्तों, ओ सी हमारे पास कितना है 6 यूनिट के इक्वल, तो यहां पर पुट करते हैं 6 स्क्वायर माइनस सी डी की लेंथ हमारे पास पता है कितनी है 2 यूनिट के इक्वल, तो यहां से पुट करते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6 स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 यूनिट के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है ओ डी स्क्वायर वो आ गया दोस्तों 32 यूनिट के इक्वल। तो ओ डी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी
स्क्वायर रूट ऑफ 32 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हमने OD की लेंथ फाइंड आउट कर ली है राइट एंगल ट्रायंगल CDO में। यहां पर लिख देते हैं OD की जो लेंथ आई है वो कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 32 के इक्वल। हम अब क्या करेंगे दोस्तों, सर्किल के सेंटर पॉइंट O को B पॉइंट से मिला देंगे, तो OB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सर्किल की रेडियस के इक्वल। और हमने माना था सर्किल की जो रेडियस है वो है कैपिटल R के इक्वल। तो दोस्तों यहां पर OD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ODB में हम लिख सकते हैं दोस्तों OD की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, जो कि हमने फाइंड आउट किया था स्क्वायर रूट ऑफ 32 के इक्वल। OB की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, सर्किल की रेडियस के इक्वल, जो कि कैपिटल R के इक्वल है। और DB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी दोस्तों, DB की लेंथ हमने फाइंड आउट की थी 5 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 5 यूनिट। तो इस प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल ODB में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, OB की जो वैल्यू है वो लिख देंगे R इसका स्क्वायर, OD की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 32 के इक्वल इसका होल स्क्वायर, प्लस DB क्या है हमारे पास 5 यूनिट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 यूनिट। तो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 32 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 32 प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है 25, इनको ऐड करते हैं तो कैपिटल R स्क्वायर हमारे पास आता है 57 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर R की जो लेंथ आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 57 के इक्वल, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। सर्किल की रेडियस हमारे पास आ चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ 57 के इक्वल। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।